नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेकंड चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। और आज की क्लास में बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। बात करें तो हमारा इसका पार्ट नंबर 3 है, तो सामान्य विज्ञान की खान बनाएंगे आपको पहलवान। और ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर लेकर आए आपके लिए। तो अगर ये टेस्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो हमने कल भी आप लोग को पढ़ाया था विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है। देखिए, कुछ हम लोग यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक वाइज क्लास है, तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो आपका दिया गया है, ठीक है ना। विद्युत धारा जो है किस उपकरण से नापी जाती है, विभिन्न मापक यंत्र। तो ये मापी जाती है आप लोग की एमीटर से। धारा को हम लोग मेजर करते हैं एमीटर से, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एमीटर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा जो है अभी हमने आपको क्या बताया, ये मापी जाती है आपकी एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है आर्द्रता, तो ये है आपका हाइग्रोमीटर। जब बात आर्द्रता की होगी तब आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है, किसे पाइरोमीटर कहा जाता है बताइए। वेरी गुड, सही जवाब होगा आपका रेडिएशन थर्मोमीटर्स, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडिएशन थर्मोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है, फैदोमीटर, ठीक है, सही जवाब होगा आपका यहां से फैदोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहां से सोलर रेडिएशन को, ठीक है, सोलर रेडिएशन को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोलर रेडिएशन। पाइरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग लाया जाता है, किस चीज को बताइए। हमने आपको क्या पढ़ाया, तो 94 क्वेश्चन की बात करेंगे, पाइरोमीटर में आपका यूज करते हैं हाई टेम्परेचर का, ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहां से हाई टेम्परेचर। पाइरोमीटर का प्रयोग करते हैं किस में करते हैं, हमने आपको बताया ताप क्रम नापने में मोस्टली इसका यूज करते हैं हम लोग हाई टेम्परेचर में, किस में करते हैं हाई टेम्परेचर में। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पाइरोमीटर, ठीक है, सही जवाब होगा यहां से भी आपका पाइरोमीटर। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, हाई टेम्परेचर, सही जवाब होगा आपका यहां से हाई टेम्परेचर। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा मीटर होगा, चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, 99 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा यहाँ से, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर, ठीक है, पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सही जवाब होगा पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सोनार का प्रयोग जो है लाया जाता है किसमें, सोनार, फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं पहले ही, इसका यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर किसमें, नौ संचालकों द्वारा, नेविगेटर्स में, ओके, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है नेविगेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सोनार। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां पर सोनार आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहां से आपका सोनार। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, उपकरण यंत्र है और मापन की राशि है। आपको यहां पर क्या दिया गया है इसको देखिए, अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और स्प्रिंग तुला, इनको मिलाइए और बताइए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। अमीटर जो है आपका विद्युत धारा को मेजर करता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को, ठीक है ना, बैरोमीटर आप लोग का दाब को, और तुला भार को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां से 3, 4, 1, 2। ओके, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील, नेविगेशन में दूरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सेल्सियस ये ताप की इकाई है ना कि उष्मा की। तो गलती आपको दे रखी है डी वाले में, तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड क्लास, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है चलिए बताइए। हाँ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। ठीक है, क्योंकि सिस्मोमीटर का यूज भूकंप मापी, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है इसके थ्रू, तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, ये पॉइंट आप लोग का रॉन्ग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टैकियोमीटर की बात करेंगे, उस दिन हमने आपको बताया भी था कि टैकियोमीटर का यूज जो है हम करते हैं वायुयानों और मोटर नाव की गति में। ओके, तो यहां से आपका होगा वायुयानों और आपका मोटर नाव की गति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है किससे? आर्द्रता की बात जब भी होगी तब आपका आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ग्रो वाला जो है ये आर्द्रता वाला है, और जो ड्रो वाला है ये आपका द्रवों का घनत्व से है। खैर, यहां पर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताया हमने यहां पर, हाइग्रोमीटर, याद रहेगा आपको हाइग्रोमीटर। आर्द्रता वाले क्वेश्चन अब जो भी आएंगे आप अलग कर लेंगे, जैसे कि हाइग्रोमीटर से पूछ सकता है तो क्या करेंगे आप लोग, वातावरणीय आर्द्रता हो जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो कर लेना आप लोग। अब वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए, वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बैरोमीटर। ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहां पर आ रहा है बैरोमीटर बिल्कुल राइट होगा, वेरी गुड, सही जवाब होगा यहां से आप लोग का बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होते हैं? साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का इस्तेमाल किया जाता है? पारे का, यानी कि मरकुरी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा मरकुरी यानी कि पारा। बैरोमीटर के पारे के तल की अचानक गिरावट जो है किस बात का सूचक है? बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। ठीक है ना, तो यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं रिकॉर्ड नहीं लाइव क्लास है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ये आपका यहां पर तूफान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जिनका भी आंसर यहां पर तूफान आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा, ठीक है। चलिए तो 13 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सूचक है तूफानी होगा, मौसम कैसा होगा आप लोग का, तूफानी होगा, ठीक है। चलिए अगर रीडिंग में अचानक से गिरावट आ जाएगी तो आज मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, इंस्ट्रूमेंट्स आ सकते हैं आपके वैसे कि बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर, द्रव का घनत्व, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, वैसे सिस्मोग्राफ, ये है भूकंप की तीव्रता मापी, सिस्मोग्राफ, ठीक है ना। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यहाँ से सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा अब आपका सिस्मोग्राफ, ठीक है। चलिए निम्न में से भूकंप संबंधी जानकारी के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो देख सकते हैं किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप आपको बताए जा रहे हैं। देन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें, सभी में, चाहे वो कलाई घड़ी हो, चाहे वो आपके डिस्प्ले बोर्ड हो या पॉकेट कैलकुलेटर्स हो, इन सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है, कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है, तो रक्त दाब यानी कि आपका ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए, रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जबकि टैकोमीटर जो आपको दिया गया है मोटर बोट और वायुयान का वेग मापता है, और आपका एक्टियोमीटर सूर्य की किरण को जो आपको दिया गया ना एक्टीमीटर, तो एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का मापन करता है, और बैरोमीटर वायु दाब का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, रक्त दाब के लिए हमने आपको बताया सी हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त होने वाला जो स्टेथोस्कोप है जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है, चलिए बताइए। तो ये होता है आप लोग का इम्पोजिशन ऑफ साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ध्वनि तरंगों का आपका यहां से अध्यारोपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एक तरफ आप लोग को दिया गया है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और आपको दिया गया है हाइग्रोमीटर, इनको मिलाना और बताना है कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा। हाँ तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, यहां से आपका सही जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर आ जाएगा आपका वायु वेग, ठीक है। सिस्मोग्राफ आप लोग का हो जाएगा भूकंप, बैरोमीटर तो आप लोग का पहले से था दाब, और हाइग्रो आर्द्रता, तो यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा 3124, ओके 3124। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करता है किसमें, वृद्धि दर नापने में, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ग्रोथ में, तो जिनका भी यहां से ग्रोथ आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सही सम्मिलित नहीं है, तो यहां पर आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए, बताइए कौन सा वाला सम्मिलित नहीं है। तो 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको दिया गया एमीटर, और एमीटर के बारे में आप लोग को बताया था कि यह विद्युत शक्ति का नहीं है, ये धारा का मापक यंत्र है, धारा का, करंट का, जो एमीटर होता है करंट का होता है ना कि शक्ति का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ये आप लोग का है दोस्तों यहां से ऑडियोमीटर,
ध्वनि की तीव्रता, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑडियो मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, पारे का साधारणतः ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति, यानी कि हाई एक्सपेंशन एबिलिटी, उच्च संचालन शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, वोल्टमीटर, इनको मिलाइए और बताइए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर आर्द्रता हो जाएगा, वोल्टमीटर आप लोग का विभव हो जाएगा। खैर यहाँ पर आप लोग का ये सिस्मोग्राफ दे रखा है तो भूकंप वाला था, तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ नहीं होगा, यहाँ पर आपका होना चाहिए एमीटर होगा। क्या होगा? एमीटर होगा। तो क्वेश्चन में त्रुटि दे रखी है, क्वेश्चन में आपकी गलती दे रखी है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा, लैक्टोमीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर। फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेथोमीटर का। समुद्र की गहराई, ठीक है ना, समुद्र की गहराई। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? चलिए बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी होगा यहां से आपका सही जवाब। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10^-7 सेंटीमीटर के, ठीक है, यहां पर आपको सेंटीमीटर दिया गया इसलिए -7 है, -9 होता तो मीटर होता। समय मापक विज्ञान है कौन सा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए, समय मापक विज्ञान है हॉरोलॉजी, ठीक है, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है आप लोग का हॉरोलॉजी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इस, सॉरी ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसमें? उस दिन हमने आप लोग को बताया भी था, एक सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है किसमें? वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए, ठीक है ना, तो सेक्सटेंट की बात करेंगे तो ये वस्तु की ऊंचाई को नापने में प्रयुक्त होता है। प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? देखिए प्रकाश की तीव्रता मॉर्निंग में भी हमने आपको साइंस में पढ़ाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका यहाँ से लक्स मीटर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हम लोग यहां से आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट करवा दिया है। तो जो पहला टॉपिक आप लोग का जो हमने शुरू किया था जिसमें विभिन्न टाइप के मात्रक थे, जितने भी मात्रक थे वो सारे पढ़े हम लोगों ने, विमा पढ़ी, इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो भी देखे, तो इसी के साथ आज की क्लास में पहला टॉपिक कवर हो जाएगा। कल से आप लोग का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग मैकेनिक्स, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, यानी कि यांत्रिकी और गुरुत्व के अधीन जो गतियाँ हैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे गए थे। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ओके तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए आप लोग आपके अपने चैनल BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।